नाउ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है अगेन, सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन। ए एन माइनस 7 AN-1 प्लस 16 AN-2 माइनस 12 AN-3 इक्वल टू 0 एंड फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब है ना कि जब आपको है ना इनिशियल कंडीशन देने के बाद सॉल्यूशन फाइनली आप जब निकालते हैं वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। गिवन दैट द इनिशियल कंडीशन भी दी है, ए नॉट इक्वल टू 1 कॉमा A1 इक्वल टू 4 एंड A2 इक्वल टू 8, देन द सॉल्यूशन। सो अगेन इट इज़ ए होमोजेनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन। सो वी हैव गिवन AN-7 AN-1 प्लस 16 AN-2 माइनस 12 AN-3 इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द ऑर्डर। ऑर्डर इक्वल टू होगा आपके पास हायर सबस्क्रिप्ट, हायर सबस्क्रिप्ट इज एन माइनस लोअर सबस्क्रिप्ट इट इज़ ए माइनस एन माइनस 3। सो ऑर्डर इज 3। अगेन फाइंड द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगेन इज अल्फा, हायर सबस्क्रिप्ट एन है तो ऑर्डर पूरा पूरा माइनस 7 एज इट इज़। सबस्क्रिप्ट में 1 कम हुआ तो ऑर्डर में भी कम, कितना कम होगा 1 कम हो जाएगा, इट इज़ अल्फा स्क्वायर प्लस 16 एज इट इज़। अगेन अल्फा की पावर कितना होगा 3-2 डैट मीन्स 1-12 अल्फा की पावर, सबस्क्रिप्ट में कितना कम हुआ 3 कम हुआ तो ऑर्डर में भी हम जो पावर जाएगी वो 3 कम हो जाएगी। 3-3 इक्वल टू कितना होगा 0। सो 0 बिकम्स 1 तो ये कितना होगा 12 ओनली इक्वल टू 0। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। सो जो रूट्स आएंगे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, रूट्स आर 3, 2, 2 ठीक है। देन द होमोजीनियस, द होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होंगे, सॉल्यूशन अगेन ए एन लिखा हुआ इक्वल टू रिपीटेड रूट्स हैं तो मैं इसको रिपीटेड रूट्स वाला पहले लिख देता हूँ। तो बी वन कितने रिपीटेड हैं 2 ठीक है, 2 टाइम्स रिपीटेड हुए तो बी टू एन इंटू 2 की पावर एन प्लस बी थ्री तीसरा कॉन्स्टेंट सॉरी वेरिएबल और मल्टीप्लाइड बाई रूट 3, ये 3 रूट पावर एन। सो दिस इज द सॉल्यूशन। बट आपसे पूछा जा रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दैट मीन्स आपको b1, b2 एंड b3 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सो वी हैव गिवन है आपके पास a नॉट इक्वल टू 1 ठीक है, तो हम इस इक्वेशन में कितना n इक्वल टू 0 पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। सो
a0 इज इक्वल टू b1 प्लस b2 इंटू 0 इंटू 2 रेज टू पावर 0 प्लस b3 इंटू 3 रेज टू पावर 0। सो a1 की वैल्यू इज 1 इक्वल टू b1 प्लस b3। क्लियर? दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। एंड अगेन वी हैव गिवन a1 इज इक्वल टू 4। सो पुट नाउ n इज इक्वल टू 1। 1 कहाँ से डिसाइड हुआ? यहाँ से, क्योंकि सबस्क्रिप्ट में नीचे 1 है। सो अगेन इन इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 क्या होगी? a1 इज इक्वल टू b1 प्लस b2 इंटू 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1 प्लस b3 इंटू 3 रेज टू पावर 1। सो a1 की वैल्यू इज गिवन 4, दैट इज इक्वल टू 2b1 प्लस 2b2 प्लस 3b3। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। नाउ वी हैव ऑल्सो गिवन a2 इक्वल टू दिया था आपको 8। सो नाउ पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या होगी? a2 इक्वल टू b1 प्लस b2 इंटू 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2 प्लस b3 इंटू 3 रेज टू पावर 2। अगेन a2 इज इक्वल टू 8 दिया, सो इट इज 8 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 4b1 प्लस 8b2 प्लस 9b3। दिस इज इक्वेशन फोर्थ। तो बाय द इक्वेशन थर्ड फोर्थ एंड सेकंड वी कैन कैलकुलेट v1 b2 एंड b3। सो फ्रॉम द इक्वेशन टू थर्ड एंड फोर्थ b1 इज इक्वल टू 5, b2 इज इक्वल टू 3 एंड b3 इज इक्वल टू, जो कैलकुलेट होके आया, इट इज इक्वल टू -4। सो दस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज an इज इक्वल टू, सॉल्यूशन क्या आया था? इक्वेशन वन में रखा था b1 प्लस b2n इंटू 2 की पावर n। सो b1 की वैल्यू इज 5 प्लस b2 यानी कि 3 इंटू n मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू पावर n प्लस b3 आया आपके पास -4। सो इट इज ए -4। इट इज ए -4 मल्टीप्लाइड बाई रूट्स आया था 3 की पावर n। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, डिफरेंस इक्वेशन सॉल्व करनी है। अगेन इट इक्वल टू 0, सो इट इज़ ए होमोजेनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, तो आपको गिवन है, इट इज़ ए टी के रेस टू के प्लस 4 प्लस 2 टी के प्लस 3 प्लस 3 टी के प्लस 2 प्लस 2 टी के प्लस 1 प्लस टी के। सो
सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर हायर सबस्क्रिप्ट, हायर सबस्क्रिप्ट इज के प्लस फोर, और माइनस लोअर सबस्क्रिप्ट, मोर लोअर सबस्क्रिप्ट आपके पास कौन सी है, इट इज ए के, सो इट इज ए के, तो डेट इज इक्वल टू फोर। नाउ अगेन अगर मैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाता हूँ तो मैं पहला एक ऐसा टर्म्स ले रहा हूँ जो कि मिलेगा नहीं, सो इट इज ए मिलेगा मतलब नहीं कि कभी क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं आएगा, अल्फा लिख के नहीं आता, जनरली वाई डी टी ए इस टाइप की चीज़ें आती हैं। तो मैंने अल्फा ले लिया, अल्फा यहाँ पर सबस्क्रिप्ट कितना है, हाईएस्ट है, तो यहाँ पर जो पावर जाएगी वो ऑर्डर में पूरी फुल होगी वो जाएगी, इट इज फोर है, प्लस टू एज इट इज कॉपी, तो प्लस टू एज इट इज कॉपी, अगेन टी के प्लस थ्री, यानी कि सबस्क्रिप्ट जो फुल थी वो के प्लस फोर थी, उसमें से एक कम हुआ है, यानी कि अब कितनी होगी, के प्लस थ्री होगी, तो यानी कि अल्फा में जो पावर में कम होगी, यानी कि पावर कितनी होगी फोर, पर इसमें से माइनस वन कम होगी क्योंकि इधर के प्लस फोर इधर के प्लस थ्री है, यानी कि एक का डिफरेंस है, तो माइनस वन, अगेन प्लस थ्री एज इट इज़ कॉपी, सो इट इज ए प्लस थ्री एज इट इज़ कॉपी, अगेन अल्फा टी की प्लेस पे अल्फा आएगा, और यहाँ पर के प्लस टू है, अगर इसको कंपेयर करता हूँ हायर सब्सक्रिप्ट से तो कितना हुआ, इधर के प्लस फोर यहाँ पर के प्लस टू, यानी कि दो की दो का डिफरेंस आया, तो पावर में भी फोर माइनस टू हो जाएगा, क्लियर। अगेन प्लस टू एज इट इज़ कॉपी, तो यहाँ पर प्लस टू मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दिया, पावर में अगर देखा जाए तो अल्फा की पावर कितना होगा, यहाँ पर के प्लस वन है और यहाँ पर के प्लस फोर थी, यानी कितना डिफरेंस आया, थ्री का डिफरेंस आ गया, तो फोर माइनस थ्री और प्लस, यहाँ पर प्लस कोई कॉन्स्टेंट नहीं, तो प्लस एज इट इज़, और टी की प्लेस पे क्या आएगा, अल्फा आएगा अल्फा, और यहाँ पर फोर माइनस कितना होगा, यहाँ पर के प्लस फोर यहाँ पर के, यानी कि जो डिफरेंस आया वो फोर का डिफरेंस आया, तो माइनस फोर इक्वल टू जीरो। सो अगेन इट इज़ ए जो इक्वेशन बनी वो अल्फा की पावर फोर प्लस टू अल्फा एल्फ क्यू प्लस थ्री अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा प्लस वन, डेट इज़ इक्वल टू जीरो। अगेन इसको सॉल्व करके आपको जो निकालना होगा वो रूट्स निकालने होंगे। सो रूट्स अगर ये देखा जाए तो इक्वेशन क्या होगी, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू जीरो। सो अगेन इसे जब सॉल्व करोगे तो अल्फा के जो रूट्स आएंगे वो माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई टू, रिपीटेड होंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो दूसरा भी आपके क्या होगा, माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई टू अगेन। सो होमोजीनियस सॉल्यूशन, देयरफॉर द होमोजीनियस सॉल्यूशन इज, यहाँ पर टी यूज किया गया, तो यहाँ पर टी लेंगे और सबस्क्रिप्ट में के आएगा, सो इट इज टी के इक्वल टू प्लस वाला, अगर देखा जाए माइनस वन प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू, ये दो बार आया, तो यानी कि बी वन प्लस बी टू के और रूट्स माइनस वन प्लस रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई टू की पावर के एक आएगा, प्लस बी थ्री माइनस वाला भी आपके पास टू टाइम्स रिपीट हुआ, सो बी फोर के इंटू माइनस वन माइनस रूट थ्री आई डिवाइड बाई टू की पावर के, दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इनिशियल कंडीशन दी जाती तो मैं वी वन वी टू वी थ्री वी फोर की भी वैल्यू निकालता, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द
रिकरेंस रिलेशन ए एन प्लस वन माइनस 1.5 ए एन इक्वल टू जीरो फॉर एन इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो एंड द सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका. अगेन हम ऑर्डर निकाल लेते हैं तो हमें जो गिवन है इट इज ए एन प्लस वन माइनस 1.5 ए एन इक्वल टू जीरो. सो ऑर्डर ऑर्डर इज इक्वल टू हायर सबस्क्रिप्ट माइनस एन लोअर सबस्क्रिप्ट दैट इज इक्वल टू वन. सो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी अल्फा ऑर्डर की पावर वन ही है माइनस 1.5 इंटू अल्फा ऑर्डर में कितना कम हुआ वन तो वन माइनस वन डैट इज इक्वल टू जीरो. सो इट इज अल्फा माइनस 1.5 इक्वल टू जीरो हैंस अल्फा की जो वैल्यू निकल गई तो सिंपल था 1.5. क्लियर. देन द होमोजेनियस सॉल्यूशन कितना होगा ए एन इक्वल टू बी B1, B2 लेने की जरूरत नहीं है कि कांस्टेंट है तो बी इंटू 1.5 की पावर एन. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ये सब यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आए हुए हैं. तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन. देखने से लग रहा है कि ये होमोजीनियस नहीं है पर इट इज़ ए होमोजीनियस. ठीक है ना, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गिवन है डी एन इज इक्वल टू 2dn-1 माइनस dn-2. इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं dn-2dn-1 प्लस dn-2 इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो ये होमोजीनियस है तो ऑर्डर निकालेंगे. ठीक है ना, ऑर्डर आपका होगा कितना निकल के आएगा हायर सबस्क्रिप्ट एन लोअर एन माइनस टू. सो ऑर्डर इज टू. देन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगेन बनाएंगे तो एच के अल्फा स्क्वायर एन है यहाँ पर इसलिए पूरा एन अल्फा स्क्वायर माइनस टू एज इट इज एन माइनस वन हुआ तो टू की पावर अल्फा की पावर 2-1 हो जाएगा. सो इट इज अल्फा प्लस यहाँ पर 2-1 हो गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2-2 होगा डेट इज इक्वल टू जीरो. सो अगेन इट इज अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू जीरो. हैंस द जो रूट्स निकल के आएंगे वो अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा डेट इज इक्वल टू जीरो. सो आपके रूट्स जो होंगे अल्फा इक्वल टू 1.1. अगेन इट इज ए रिपीटेड रूट्स. सो होमोजेनियस सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा इट इज डी एन इक्वल टू बी वन प्लस बी टू एन नीचे चला एन मल्टीप्लाइड बाई 1^1 एन तो 1^n कितना होता है 1 होता. हैंस द सॉल्यूशन इज डी एन इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू इज बी टू एन. क्लियर. नाउ लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस पर, इसके बाद हम नॉन होमोजीनियस के सॉल्यूशन देखेंगे. तो लास्ट क्वेश्चन है आपके पास सॉल्व ए एन इक्वल टू 5 a n-1 प्लस 6 a n-2 एन इज ग्रेटर और इक्वल टू 2
इनिशियल कंडीशन दी गई है ए नॉट इक्वल टू ए वन इक्वल टू थ्री। नाउ सॉल्यूशन, सो गिवन इज अगेन ए एन, मैं इसको इस साइड ले आ रहा हूँ, तो माइनस फाइव ए एन माइनस वन माइनस सिक्स ए एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। ऑर्डर ऑर्डर निकल के आएगा आपका एन माइनस एन माइनस टू, सो एन ऑर्डर इज टू। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनेगी आपकी वो अल्फा स्क्वायर माइनस फाइव की पावर टू माइनस वन, क्योंकि एन माइनस वन है तो इट इज़ अल्फा माइनस सिक्स। अल्फा की पावर कितना हो जाएगा, जीरो, यानी टू माइनस टू हो जाएगा क्योंकि सबस्क्रिप्ट में टू कम हुआ, सो डैट इज इक्वल टू जीरो। सो हैंस अल्फा इज इक्वल टू निकल के आएंगे वो, इसको मैं सिक्स एंड अल्फा प्लस वन होगा वन इक्वल टू जीरो, तो अल्फा की जो वैल्यू निकल के आई वो सिक्स एंड माइनस वन। देन द होमोजेनियस सॉल्यूशन, देन होमोजेनियस सॉल्यूशन आपका कितना होगा, जैसे ए एन इक्वल टू बी वन, अगेन इट इज ए रियल एंड डिस्टिंक्ट, सो बी वन सिक्स की पावर एन प्लस बी टू माइनस वन की पावर एन। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि मुझे इनिशियल कंडीशन भी दी है, सो यहाँ पर ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। सो अगेन हमें जो दिए वो ए नॉट और ए वन दोनों की वैल्यू दी है, ए नॉट इक्वल टू और ए वन इक्वल टू थ्री, दोनों बोथ आर थ्री। सो गिवन इज ए नॉट इक्वल टू थ्री, तो पुट एन इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन, सो ए नॉट इक्वल टू बी वन सिक्स की पावर जीरो प्लस बी टू माइनस वन की पावर जीरो। सो अगेन ए नॉट इज इक्वल टू थ्री, अगेन इट इज ए बी वन प्लस बी टू, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ वी हैव ऑल्सो गिवन ए नॉट ए वन इज इक्वल टू थ्री, तो पुट एन इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन, सो अगेन इट इज ए वन इज इक्वल टू बी वन सिक्स की पावर वन प्लस बी टू माइनस वन की पावर वन। सो ए वन इज इक्वल टू थ्री, इट इज ए थ्री इक्वल टू सिक्स बी वन माइनस बी टू, दिस इज इक्वेशन थ्री। फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री वी कैन कैलकुलेट बी वन एंड बी टू, सो फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री बी वन इज कैलकुलेटेड एज सिक्स बाई सेवन एंड बी टू इज इक्वल टू दिस इज फिफ्टीन बाई सेवन। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जो हमें इक्वेशन वन में जो कैलकुलेट हुआ वो बी वन बी टू की हम यहाँ पर वैल्यू रख के रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। सो अगेन यहाँ पर फाइनली दस द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन इज ए एन इक्वल टू बी वन, यानी सिक्स बाई सेवन मल्टीप्लाइड बाई सिक्स की पावर एन प्लस बी टू, यानी कि डैट मीन्स फिफ्टीन बाई सेवन मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन की पावर एन, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? ठीक है, फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन के लिए लेट्स सपोज कंसीडर करते हैं, कंसीडर द नॉन होमोजेनियस रिकरेंस, लीनियर हो गया आपके लीनियर रिकरेंस रिलेशन, सॉल्यूशन हो रहा हो नॉन होमोजीनियस लीनियर, यहाँ पर भी लीनियर होगा।
रिकरेंस रिलेशन के लिए तो इट इज ए एन प्लस सी वन ए एन माइनस वन प्लस सी टू ए एन माइनस टू अप टू प्लस सी के ए एन माइनस के इक्वल टू, यहाँ पर होमोजीनियस में इक्वल टू जीरो मिलता था, यहाँ पर एफ एन मिलेगा, कोई फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी वन सी टू क्या है, वेयर सी वन सी टू सी थ्री अप टू सी के आर कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट, ठीक है। एंड एफ एन क्या होगा, एफ एन इज अ फंक्शन, इज ए फंक्शन, ठीक है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इक्वेशन को आपको क्या कर रहा हूँ, सेटिस्फाई किया, और इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन वन बोल रहा हूँ, क्लियर, ठीक है। नाउ इसके सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेप मैं इसके सोल्यूशन निकालने के लिए आपके पास स्टेप वन, स्टेप वन सबसे पहले हम होमोजीनियस सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, यानी कि स्टेप वन में हम फाइंड द होमोजीनियस सोल्यूशन, इसको हम ए एन एच बोले, एच स्टैंड फॉर होमोजीनियस ऑफ गिवन रिकरेंस रिलेशन, कैसे, बाई सेटिंग एफ एन इक्वल टू जीरो, राइट हैंड साइड पे हम जो एफ एन दिया है वो हम इक्वल टू कितना रखते हैं, जीरो रख के हम होमोजीनियस सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इन स्टेप टू, इन स्टेप टू, ठीक है, हम इसका गैस सॉल्यूशंस या पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा आपके किस पर, वो डिपेंड करता है आपका फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे सब्स्टिट्यूट, एक सेकंड बेटा होल्ड करना, हाँ बेटा मैं वापस आ गया। तो स्टेप टू, अगेन स्टेप टू में हम, मैं आपसे बात कर रहा था कि आपको निकालना होगा गैस और ट्रायल सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हम करेंगे सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट द गैस, हम गैस करेंगे और ये हम कहते हैं इसको ट्रायल, ट्रायल सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर, इन इक्वेशन वन, ठीक है, और ये होगा विथ रिस्पेक्ट टू एफ एन, यानी कि एफ एन के बेसिस पे हम ये चीज चेक करेंगे कि क्या होगा आपके पास, किस टाइप का सोल्यूशन होगा। सो अगेन मैं यहाँ पर एफ एन के टाइप्स लिख रहा हूँ, क्या क्या टाइप्स के होंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ आपके पास, इट इज ए एफ एन, और यहाँ पर उनका होंगे ट्रायल फंक्शन, क्लियर। फर्स्ट ले रहा हूँ मैं आपसे कि एफ एन आपका जो है वो एफ एन आपके, लेट सपोज कुछ इस तरह से बी रेज टू पावर एन, यानी सम कॉन्स्टेंट की पावर एन, सो जहाँ पर बी इज जो होगा वो रूट से मैच नहीं कर रहा, बी इज नॉट रूट ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का है ना वो से रूट से मैच नहीं कर रहा, अगेन, ठीक है ना। ट्रायल फंक्शन
क्या होगा, ए इंटू बी की पावर एन। क्लियर। सेकेंड केस, लेट सपोज बी की पावर एन है और ये जो बी जो है वो आपका मैच कर जाता है, यानी कि बी इज रूट ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब समस्या है कि कितनी टाइम्स मैच कर जाता है। लेट सपोज मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि ये बी टू की पावर एन है और जो अल्फा के रूट्स निकले वो 2.2 निकले, तो यानी कि ये जो 2 है वो 2 टाइम्स मैच कर गया, तो यहाँ पर मुझे मेंशन करना पड़ेगा कितने टाइम मैच कर गया। सो वी इज रूट ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी लेट सपोज वो एस, जैसे यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी हुई, 2 हो गई, 2 बार मैच किया, तो देन द सॉल्यूशन इज ए एन की पावर एस, जितने टाइम मैच किया वो एस है, बी इंटू बी की पावर एन। क्लियर। नाउ थर्ड केस, थर्ड केस है लेट सपोज इट इज़ ए पॉलिनोमियल, यानी कि कुछ एफ एन वो पॉलिनोमियल है, ठीक है, लेट सपोज इट इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ एम डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एम, देन द सॉल्यूशन इट इज एम डिग्री के, तो ए नॉट प्लस ए वन एन, और ये प्लस कब तक जाएगा, ए एम कॉन्स्टेंट ए एम एन की पावर एम। क्लियर। नाउ फोर्थ केस, पहले की कॉम्बिनेशन, यानी कि लेट सपोज कुछ इस तरह से हो, बी की पावर एन और पॉलिनोमियल बोथ, फिर अगेन इसमें भी दो केस बन जाते हैं कि बी इज नॉट रूट ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके पास क्या होंगे, दोनों सॉल्यूशन कंबाइंड होंगे, ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल का और इसका, तो यहाँ पर कंबाइन होने के बाद क्या होगा, इसमें जो आपके पास आएंगे इट इज ए बी की पावर एन और पॉलिनोमियल का, इसे ए नॉट प्लस ए वन एन प्लस अप टू ए एम इंटू एन की पावर एम। क्लियर। फिफ्थ केस ले लेता हूँ जहाँ पर आपके करेक्टरिस्टिक रूट्स हैं ना बी से मैच कर जाते हैं, लेट सपोज बी एन पी एन, तो यानी कि बी इज रूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन विद मल्टीप्लिसिटी एस, एस टाइम मैच करते हैं, तो अगेन हमारे पास क्या होगा, एन की पावर एस, एस टाइम मैच किए, बी इंटू एन और फिर ये रूट्स यानी पॉलिनोमियल की, प्लस ए वन एन प्लस अप टू ए एम एन की पावर एम, ब्रैकेट बंद। सिक्स्थ, एफ एन कोई कांस्टेंट है, इज कांस्टेंट, लेट सपोज इट इज ए समथिंग 2, 3, 4 कुछ इस तरह से आएगा, तो जन इसका ट्रायल सॉल्यूशन होगा वो ए होगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल केसेस लिखे हुए हैं जहाँ पर आपके पास फंक्शन इस फॉर्म में होगा, ट्रायल सॉल्यूशंस ये होंगे, ठीक है। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस लूँगा, हर 6 केसेस मैंने बनाया और 6 केसेस पे मैं आपको हर क्वेश्चंस कराऊँगा अगेन। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है थर्ड, तो हम स्टेप थर्ड की बात कर लेते हैं। स्टेप थर्ड में आपको क्या करना होगा, अब आपने गैस और निकाल लिए और ट्रायल सॉल्यूशन निकाल लिए, ठीक है, तो आप फाइंड करोगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब निकलेंगे, जो जो ट्रायल सॉल्यूशन में आपने रखे हैं उसमें जो कांस्टेंट आपने के वैल्यूज आई हैं, ए नॉट ए वन ए टू इस तरह से जो ए आए हैं, ठीक है, उनकी आप वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। तो फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसको मैं ए एन पी बोला, पी स्टैंड फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन रिकरेंस
रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टू गिवन एफ एन, जो भी एफ एन होगा उसके हिसाब से आपका ट्रायल सॉल्यूशन होगा और उस हिसाब से आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे बाय मेकिंग सुटेबल चेंजेस। चेंजेस नाउ स्टेप फोर्थ, इन स्टेप फोर्थ ठीक है आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे ठीक है, देन इन स्टेप फोर्थ यू हैव टू फाइंड ठीक है द कंप्लीट और जनरल सॉल्यूशन, द कंप्लीट और जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए एन एच होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन ठीक है। एट लास्ट स्टेप अगर आपको इनिशियल कंडीशन दी जाती हैं ठीक है तो आप लास्ट स्टेप भी परफॉर्म करोगे, अगर वो जब है जब आपके पास इनिशियल कंडीशन दी जाती हैं वहाँ पर आप क्या करोगे फाइंड करोगे कांस्टेंट, फाइंड द कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में अब जो कांस्टेंट बचेंगे ठीक है उनको आप फाइंड आउट करोगे बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन द गिवन इनिशियल कंडीशन। क्लियर, इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा।